तो दोस्तों आप अपने सामने देख सकते हैं दी ऑल ओल्ड हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप अपनी बाइक का चेन वॉश कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग सर्विस सेंटर में ये सब करना चाहते हैं तो आप लोगों को 50-70 रुपीस चार्ज करते हैं सिर्फ चेन वॉश के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान तरीका बताने वाला हूं जो कि 50 रुपए के अंदर ही आप अपने बाइक की चेन वॉश कर सकते हैं 2 या 3 बार। दोस्तों चेन वॉश शुरू करने से पहले ये 10 नंबर का स्पानर है, टी स्पानर, तो इसका चेन गार्ड पहले हम लोग निकाल देते हैं। Hold on, just let us escape and fly away tonight. दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेन कितनी गंदी है, तो इसको आज हम साफ करेंगे। आसान तरीका है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए डीजल और केरोसिन। तो दोस्तों ये रहा केरोसिन, ये देखिए मैंने सिर्फ इतना ही क्वांटिटी लिया है, और ये रहा डीजल। तो अब इस केरोसिन को इस डीजल में मिक्स करते हैं या फिर इस डीजल को इस केरोसिन में मिक्स करते हैं। दोस्तों फाइनली हमारा डीजल और केरोसिन का मिक्सचर रेडी हो चुका है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉटल की कैप पे मैंने एक छोटा होल कर दिया है, तो इसको डालने में बहुत ही आसानी होगी इस चेन के ऊपर। तो अब इस ब्रश से हम लोग इस चेन को अच्छी तरह से घसेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इतने डीजल और केरोसिन में हम लोगों ने अपनी बाइक की चेन इतना क्लीन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग ही समझ लीजिए कि एक बोतल में आप 3 या 4 बार आराम से इस चेन को वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये तरीका चेन वॉश करने का? बहुत ही इजी स्टेप है, आप लोग 50 रुपए के अंदर ही आप अपनी बाइक का चेन वॉश कर सकते हैं 3 या 4 बार। तो वीडियो को लाइक करो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।